क्रिकेटर्स ग्राउंड देखा आपने और जहां हम एंटर करने जा रहे हैं, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन यहां पर लिखा हुआ है, दोनों टीम्स यहां से एंटर करेंगी और दोनों टीम्स जहां पर जाएंगी वो है द हॉल ऑफ फेम। 2007 की यादगार पल और उसके बाद आप देखने जा रहे हैं 2011 का सबसे यादगार मोमेंट। पुरंदर जितनी भी क्रिकेटिंग टीम्स हैं उनके कप्तान के ऑटोग्राफ देख सकते हैं आप। जितने महत्वपूर्ण क्रिकेटर्स रहे हैं, लाला अमरनाथ हो, विजय हजारे से लेकर सुनील गावस्कर, कपिल देव, दिलीप वेंगसरकर, ये सब यहाँ पर नजर आएंगे। व्यूइंग गैलरी में सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, वीरू पाटिल। फाइनली वी आर एट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम विच इज मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, जो कि मेरे शहर अहमदाबाद में है, और यहीं से एंटरटेन करने के लिए दोनों ही टीम्स आने वाली हैं। 18 तारीख को पहुंच ही रही हैं और हमारे अहमदाबाद में रहकर वो क्वारंटीन रहने वाली है 6 दिन के लिए, और उसके बाद से जो खेला शुरू होने वाला है यानी 24 तारीख से 50% कैपेसिटी के साथ, जब ये पूरी जगह भर जाएगी 50% कैपेसिटी के साथ, तभी मुझे लगता है कि यार रौनक होगी। यहाँ पर अगर बारिश हो भी जाए तो 30 मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा पानी जो है वो ड्रेन आउट हो सकता है और उसके बाद खेल फिर से शुरू हो सकता है। दैट इज वन थिंग। स्टेट ऑफ द आर्ट हॉल ऑफ फेम जो बनाया गया है, जहाँ पर सारे ही कीमती पलों को संजोखा गया है, दैट इज अमेजिंग। यहाँ पर अकेडमी भी है, यानी कि फ्यूचर जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं वो यहीं पर तैयार हो सकते हैं। सो दैट अकेडमी इज ऑल्सो वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा विद एक्सीडिंग कैपेसिटी ऑफ 1,10,000। 50% कैपेसिटी के साथ जब यहाँ पर क्राउड वापस आएगा तो पोस्ट कोविड पहली बार धमाल होने जा रही है मेरे शहर में। वॉच आउट फॉर मोर। 1982 में जब मोटेरा स्टेडियम था, बना था, उस समय पे हम जानते हैं कि सीटिंग कैपेसिटी वाज 49,000, एंड अब जब मोटेरा स्टेडियम टूट के नया बन चुका है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, इट्स सीटिंग कैपेसिटी इज 1,10,000। लुक अराउंड एट दिस ब्यूटी। नाइट मैचेस के लिए ये जो है वो अड्डा बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो फैसिलिटी है वो और कहीं भी उपलब्ध नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले इस पिच की ओर देखें, देयर आर 11 पिचेस रेड एंड ब्लैक सॉइल में जो रेडी की गई हैं। साथ ही यहाँ पर एकमात्र वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पर 4 ड्रेसिंग रूम है प्लेयर्स के लिए भी, एंड ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भी उपलब्ध है। साथ ही आपको मतलब अभी मैं वो दिखा रही हूँ लग्जरी, आप देख सकते हैं 76 कॉर्पोरेट बॉक्सेस जो कि फुल्ली एयर कंडीशन है, एंड अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 25 इज व्हाट दे हैव। सो लग्जरी की बात करें तो वही है, 1,10,000 की सीटिंग कैपेसिटी है। देखिए पूरा का पूरा ग्राउंड जो है वो तैयार हो रहा है। व्हाट अ ब्यूटी, सुपर। सारी तैयारियों से लैस ये जगह 24 तारीख की रात देख रहे हैं। सेकंड टेस्ट हम जीत चुके हैं और क्या जीते हैं, 317 रन से हमने इंग्लैंड को हराया है। थर्ड टेस्ट जो है वो 24 तारीख को, और आपको बता दूं 50% कैपेसिटी के साथ ये जगह माइंड ब्लोइंग लगने वाली है। इट्स गोइंग टू बी वाइब्रेटिंग विद एनर्जी पोस्ट कोविड पहली बार। साथ ही आपको बता दूं कि ये जो आप रूफ की ओर देख रहे हैं, पहले हम फ्लड लाइट्स में खेला करते थे, अब हम LED लाइट्स में खेलने वाले हैं, और ऊपर जो इंसान बैठा हुआ होगा वहाँ पर, वो फ्लड लाइट्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा हीट की वजह से वो इरिटेट हो जाता होगा, उसे बैठा नहीं जाता होगा, लेकिन अब LED लाइट्स की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। साथ ही सबसे बेहतरीन बात यह है कि जब हम पिंक बॉल से खेलते हैं या रात को खेलते हैं तो वो लाइट्स डिस्टर्ब नहीं करती हैं। सो यू आर एट मोटेरा स्टेडियम विद मी इन माय सिटी ऑफ अहमदाबाद। जो आप देख रहे हैं द न्यूली कंस्ट्रक्टेड GCA क्लब, जिसमें बहुत सारी एमिनिटीज है, फैसिलिटीज है, उस साइड पे बैंक्वेट भी है, और ये प्री कोविड शुरू होने वाला था लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया। सो अब कोरोना की मौत के बाद ये हो पाएगा, बट व्हाट आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट टू शो यू इज द ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल विच इज 50 बाय 25। हैव अ लुक।